मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के दौरान सियासी घमासान जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस ने सतीश सिकरवार को उम्मीदवार बनाया है तो बीजेपी ने मुन्नालाल गोयल पर दांव लगाया है। न्यूज वर्ल्ड पहुंचा जमीनी हकीकत जानने ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर, जहां दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हमारे साथ मुन्नालाल गोयल जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरीके से कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है, क्या स्थितियाँ हैं और कैसे चुनाव हो रहा है और किस तरीके से काम कर रहे हैं? मुन्नालाल जी, जिस तरीके से चुनाव हो रहा है तो क्या आप क्या सोच है और कैसे कर रहे हैं? देखिए, कोरोना महामारी से पूरा देश परेशान है, उसमें कोई हमारा विधानसभा छूता नहीं है। लोग भय में हैं कोरोना से, लेकिन चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है कि हर पोलिंग बूथ पर उन्होंने सैनिटाइज की व्यवस्था की है, हर पोलिंग बूथ पर मास्क की व्यवस्था की है, तो पूरी इंतजाम किया है चुनाव आयोग ने। और उसका उद्देश्य यही है कि हमारा कोई मतदाता कोरोना के चक्कर में मतदान से वंचित ना रह जाए। हर मतदाता का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपना वोट डाले, और इसलिए चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। और राजनीतिक पार्टियों का ही प्रयास होना चाहिए कि जागरूक करें मतदाताओं को कि कम से कम ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें हर मतदाता अपना वोट डाल पाए। ये प्रयास सभी को होना चाहिए, सरकार का भी प्रयास है, चुनाव आयोग का भी प्रयास है और राजनीतिक दलों का भी प्रयास होना चाहिए। किस तरीके से देखा गया है मुन्नालाल जी, चुनाव हो रहा है और क्या ऐसा घटनाक्रम बने कि ये चुनाव की स्थिति बनी, इस पर भी कुछ प्रकाश डालिए ना। देखिए, ये चुनाव की परिस्थिति बनी है, इसके पीछे दो तीन कारण हैं। नंबर एक, कमलनाथ जी की सरकार, इसने वचन पत्र की धज्जियां उड़ाने का काम करा। 15 महीने में वचन पत्र का पालन नहीं किया, एक भी काम जो वचन पत्र का पूरा किया हो तो हमें बता दें। आप युवाओं से कहा कि हम 4 महीने 4000 महीने देंगे आपको हर महीने, किसी नौजवान को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हम किसानों को 2 लाख तक के कर्जे माफ़ करेंगे, किसी किसान के कर्जे माफ़ नहीं हुए। उन्होंने कहा कि गरीब जो आवासहीन गरीब हैं उनको पट्टे देंगे, किसी गरीब को पट्टे नहीं मिले। तो कुल मिलाकर वचन पत्र की धज्जियां उड़ाई गई। और दूसरा, जनता ने जिन विधायकों को चुना था वो खाली विधानसभा में बैठने के लिए चुना था। जनता की अपेक्षा थी कि विधायक जीतने के बाद क्षेत्र में प्रगति विकास के लिए काम करें, लेकिन 15 महीने में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। छिंदवाड़ा का जरूर विकास हुआ, लेकिन हमारे क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ। तो हमने जनता ने किस लिए चुना था, तो हमारी जनता का अपमान हो रहा था क्योंकि हम काम नहीं कर पा रहे थे क्षेत्र के अंदर। और जनता का अपमान हो रहा है तो निश्चित तौर पर हालात ख़राब होंगे। यही हालत हमारी 22 विधायकों हुई, और इंतजार जब होगी, जब हमारे नेता सिंधिया जी का अपमान लगातार हुआ, तो जनता का अपमान और सिंधिया जी का अपमान, ये दो घटनाएं ऐसी रही जिसके चलते इतना बड़ा विस्फोट हुआ और 22 विधायकों को कांग्रेस पार्टी छोड़ना पड़ी। चुनाव, कोई भी चुनाव हो, चुनाव होता है और लोकतंत्र में चुनाव की एक व्यवस्था है। मुन्नालाल जी, जिस तरीके से यदि चुनाव होता है और सरकार एक बनी हुई है, उस सरकार को मजबूती मिलेगी आप लोगों के जीतने के बाद, यदि मजबूत होती है सरकार, तो ऐसे 3 काम क्या ग्वालियर में आप करेंगे जो आपके दिमाग में था और आप कर नहीं पाए उन 15 महीनों में? निश्चित तौर पर काम तो कई है, लेकिन मोटे तौर पर हर क्षेत्र के अंदर 2-3 चीज़ें मोटी मोटी होती हैं जिसे जनता का सीधा सरकार होता है। नंबर एक, क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएँ अच्छी हो। नंबर दो, हमारे क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो। नंबर तीन, हमारी सड़कें अच्छी हों और बिजली की व्यवस्था अच्छी हो। तो मेरा प्रयास है कि मेरे क्षेत्र के अंदर जिला हॉस्पिटल है, वहाँ मैंने 300 बेड का प्रस्ताव दिया है। 34 का क्षेत्र है जो सिविल डिस्पेंसरी है, वहाँ 50 बेड का प्रस्ताव दिया है, तो स्वास्थ्य सेवाएँ अच्छी हो जाएँ। नंबर दो, मैंने क्षेत्र के अंदर बिजली समस्या के लिए प्रस्ताव दिया है, हालांकि मंजूर हो गया है। 40 अवैध कॉलोनियाँ हैं जहाँ बिजलीकरण होना है, उसमें 7.5 करोड़ मंजूर हो गया है। इसके अलावा मेरे क्षेत्र के अंदर सड़कें बेहाल थी, उसके लिए भी पैसा मंजूर हुआ है। आचार संहिता के वहाँ काम शुरू हो जाएगा। मैंने कई क्षेत्रों में हाईस्कूल की मांग की है, जैसे डीडी का क्षेत्र है, 50,000 की आबादी वाला इलाका है, वहाँ हाईस्कूल की व्यवस्था की जाए। और स्पोर्ट मैदान की के लिए मैंने मांग की है, भरावली के अंदर एक बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की मैंने मांग की है, क्योंकि क्षेत्रीय खेल प्रतिभा हैं, उनके लिए कोई भी बड़ा खेल मैदान नहीं है, तो वो भी मैंने मांग की है। मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के लिए खेल मैदान का प्रस्ताव, जिला हॉस्पिटल के लिए 300 बेड और सड़कों की व्यवस्था, ये सब हमारे पैमाने हैं, प्राथमिकता हमारी है। मुझे उम्मीद है कि चुनाव के बाद निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगी, जनता की जो जनता अपेक्षा है उसको पूरा करने का काम करेगी।
तो आपने सुना मुन्ना लाल जी का कहना है कि जिस तरीके से सरकार 15 महीने चली है, वो सरकार ने ना तो जनता का ध्यान रखा, ना विधायक का ध्यान रखा, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ के महाराजा हैं जिनके बारे में जो 22 विधायक जिनके साथ थे और जो इन्होंने इस्तीफा दिया, और ये उपचुनाव की परिस्थितियाँ बनी है उसको देखते हुए, क्योंकि लोकतंत्र में सम्मान ही बहुत बड़ी चीज़ है, और जब सम्मान नहीं मिलेगा तो ये परिस्थितियाँ, मुन्ना लाल जी का मानना है कि उपस्थित होंगी अब चुनाव में, और चुनाव के बाद देखना होगा किस तरफ ऊँट किस करवट बैठता है और क्या होता है। अंकित के साथ अरविंद शर्मा, न्यूज वर्ल्ड ग्वालियर। हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश चक्रवार जी। यदि इनकी बात की जाए तो ये पहले भाजपा में थे, अब कांग्रेस में, और जो कांग्रेस में थे वो भाजपा में चले गए। तो हम इनसे बात करेंगे क्या स्थितियाँ, और ये उपचुनाव जो मध्य प्रदेश में थोपा गया है उस बारे में आप क्या कहते हैं, और क्या इस कोरोना काल में जिस तरीके से आम आदमी के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है वो कहां तक उचित है? डॉक्टर सिकरवाल जी, क्या मानते हैं आप, ये चुनाव क्यों थोपा गया? ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने थोपा है, और चुनाव में मुख्य मुद्दा ये है, ये लड़ाई वोट और नोट के बीच में चल रही है। अगर ये बिकाऊ लोग जीतते हैं तो ये मानिए ये तय होने वाला है कि अब दुनिया, अब मध्य प्रदेश में वोट की कोई कीमत नहीं रही, नोट की कीमत है, नोटों की दम पर सरकार बनेगी या बिगड़ेंगी, इसलिए जनता को फैसला करना है, और जनता फैसला कर चुकी है। जनता अपने वोट की दम पर, जो जनता ने पहले भी कांग्रेस की सरकार बनाई थी, और पुनः अब जनता के हाथ में बाजी आ गई है, और जनता पुनः कांग्रेस की सरकार वोट के माध्यम से बनाएगी, और सबके सब भाजपा के प्रत्याशी हारेंगे, कांग्रेस के जीतेंगे, आने वाली दिवाली कांग्रेस की दिवाली होगी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बातें हो रही हैं, आपको बाहुबली बताया जा रहा है, तो क्या बाहुबल नुकसान या कमी की निशानी है? किसी के बताने से कोई होता है क्या? ऐसा है, कसाई के कोसों से पड़ा नहीं मरते। अगर कोई किसी को बना, मेरे पे क्या अपराध दर्ज है? आपने मेरा वो शपथ पत्र देखा है, उसमें एक भी अपराध नहीं है। तो कोई बाहुबली कह दे, कोई किसी को कुछ भी कह दे तो कोई मान लेगा क्या? कोई किसी को मान लेगा क्या? अभी आपको मैं डकैत कह दूं तो आपके डकैत हो जाओगे? आप डकैत थोड़ी हो जाओगे? आपको मैं लुटेरा कह दूं तो लुटेरा थोड़ी हो जाओगे? इससे कुछ नहीं होता। और ये खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, क्या कहावत है, अब क्या हार हो रही है, बौखला रहे हैं, कुछ भी पोषण डाल रहे हैं, कुछ इससे क्या होता है, जनता सब जानती है। तो जिसकी कथनी करनी है वो सब सामने उजागर हो गई, उनके बारे में पूरी दुनिया जानती थी, इनके पिताजी क्या करते थे, 55 किलो तोलते थे, 50 किलो पैसा 50 किलो के देते थे, पूरे मुरार को मालूम है, और उनके बारे में सब मालूम है, और उनके कहने से कुछ नहीं होता, इसका सर्टिफिकेट वो नहीं देंगे, सर्टिफिकेट जनता देगी। सिकरवार जी, जिस तरीके से आपने कहा कि जनता सब जानती है और जनता को जानना भी चाहिए, यदि सरकार पलटती है, सरकार कमलनाथ की बनती है, तो ऐसे तीन काम कोई ऐसे आपने सोचे होंगे जो काम तुरंत करने की जरूरत पड़ेगी ग्वालियर के लिए? एक तो अभी स्वास्थ्य की सेवाएं थोड़ी चरमरा गई हैं, कोरोना कार्यकाल में हमारे कई जो अन्य बीमारियों से मरीज हैं उनके ऑपरेशन नहीं हो पा रहे, 3-4 महीने हो गए, ऑक्सीजन की कमी, फलाना ढिमका, वेंटिलेटर की परेशानी, तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा, सबसे पहले तत्काल के स्वास्थ्य की व्यवस्थाएँ पहले से बेहतर की जाएँ, और दूसरा जो ग्वालियर में सबसे बड़ी समस्या है वो है रोज़गार से संबंधित, लोग कोरोना के चक्कर में पहले से ही परेशान है, और दूसरा रोज़गार और छिन रहा है, तो सबसे पहले तत्कालिक कुछ रोज़गार की व्यवस्था ऐसी की जाए जिससे लोग अपने रोजी रोटी कमा सकें, लोग अपना भरण पोषण कर सकें। अभी स्थिति ये है कि लोग 4-5 महीने से कोरोना के चक्कर में काम नहीं मिला, और दूसरा बिजली की समस्या है, बिजली के बिल बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, और कई हमारे फैक्ट्रियाँ, कई स्कूल, कई कॉलेज 3-4-5 महीने से बंद है, लेकिन उनको एवरेज बिल दिया जा रहा है, तो उनकी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का तत्कालिक समाधान करना पड़ेगा। चुनाव की निष्पक्षता पे सवाल उठता है, जैसे आपकी गाड़ी में मैंने देखा कि शासन का अनुमोदन पत्र लगा है, मगर कुछ गाड़ियां हमने देखी हैं जिसमें शासन का अनुमोदन पत्र नहीं लगा है, स्वीकृति नहीं लगी, तो उस पर क्या कहना है कि प्रशासन दो तरफा देख रहा है क्या? देखो, ये चुनावी शासन से हो रहा है, ये कांग्रेस वर्सेस शासन चुनाव हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी तो कहीं है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो 100-100 किलोमीटर आगे पीछे ही नहीं है कांग्रेस के,
लेकिन जो कांग्रेस चुनाव कांग्रेस के खिलाफ जो चुनाव हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही, ये चुनाव सरकार लड़ रही है और सरकार से चुनाव है, इसलिए सरकार तानाशाही कर रही है, कुछ भी नियम बना रही है, कुछ भी दुरुपयोग हो रहा है। आप गांधीनगर को गांधी रोड पर जाके देखिए, बिना परमिशन के आचार संहिता हो गई सब है, और उसका संपत्ति विरूपण का वो चल रहा है, उसके बाद सब होर्डिंग कटआउट बंगलों पर लगे हैं, सरकारी बंगलों पर लगे हैं, पूरा रोड पटा पड़ा है, तो ये सब पक्षपात चल रहा है शासन के और अधिकारियों की, आपके सामने हो रहा है, उनके बंगले के सामने हो रहा है, उन उस दिन में 10 बार उस दल से निकलते हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करूँगा, संज्ञान में लें और कार्रवाई करें, अन्यथा फिर तो फिर वोट का कोई मतलब ही नहीं, चुनाव नहीं कराएं, वैसे ही प्रमाण पत्र दे दें। तो आपने देखा डॉक्टर सिकरवार ने कहा कि जिस तरीके से चुनाव हो रहा है और ये जनता चुनाव लड़ रही है, अब जनता किसके साथ है ये तो 3 तारीख के बाद निर्णय होगा, उस पर 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा। सरकार यदि बनती है कांग्रेस की तो 3 काम उन्होंने गिनाए हैं जो करने हैं, जिसके स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, जिसपे काम होना है। अंकित के साथ अरविंद शर्मा।